नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों देखिए, इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं मैं रीट को लेकर, रीट 2021 को लेकर। देखिए यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करूंगा कि देखिए यहां पर रीट एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, नियुक्ति को लेकर और अब तक जो परीक्षा हुई राजस्थान की सबसे बड़ी, उसमें कितनी चुनौतियां आई, उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए अब कुछ चुनौतियां और बची हैं जिनका सामना करना है। दोस्तों मैं रणवीर सिंह और देखिए मैं आपके लिए इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं। जो चैनल पर भाई पहली बार है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं। देखिए यहां पर मैं बात करूंगा कि रीट के बारे में जितने भी अभ्यर्थी हैं और जिन अभ्यर्थियों का अभी रीट का जो रिजल्ट आया है, कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका हुआ है, तो यहां पर देखिए जो मेन जो मुद्दा है कि रीट की नियुक्तियां अभी क्यों रुकी पड़ी हैं, रीट 2021 को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहां पर आपको बता दूं, 170 से ज्यादा शिकायतें परिणाम को लेकर दर्ज हो चुकी हैं। रीट का जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो 170 से ज्यादा यहां पर शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। और देखिए रीट का परिणाम तो निकाल दिया गया है, ठीक है, रीट का परिणाम तो निकाल दिया है, लेकिन भर्ती अभी लॉ की मानिए, क्योंकि 31,000 शिक्षकों की जो भर्ती है उसके सामने अभी कई सारी चुनौतियां हैं। उसमें नियुक्ति कैसे देनी है, क्या है, उसमें देखिए मैं बात करने वाला हूं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, अभी हाल ही में देखिए यहां पर राजस्थान सरकार ने जो बीएड के अंतिम वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए देखिए यहां पर इजाजत दे दी है कि देखिए बीएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी आखिरकार उनको यहां पर मुख्यमंत्री ने और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने देखिए यहां पर एक बैठक में निर्णय लिया कि वो भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहां पर एक क्लियर हो गई। आगे चलता हूं, देखिए यहां पर प्रश्न पत्र विवाद, देखिए प्रश्न पत्र का जो विवाद है वो हाईकोर्ट में चल रहा है और देखिए यहां पर बोनस अंक मांग रहे हैं अभ्यर्थी जिनका हक है और मिलना भी चाहिए बोनस अंक। तो यहां पर देखिए बोनस अंक को लेकर यहां पर एक प्रश्न था, ठीक है, एक प्रश्न देखिए यहां याचिका दायर हो चुकी है, एक सवाल पर बोनस अंक देना है। जब तक ये पेच फंसा रहेगा, इसका निपटारा जब तक यहां पर कोर्ट से नहीं होगा, न्यायालय जब तक इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं देगा, तो देखिए प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकते, प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकते, तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो एक चुनौती यहां पर एक ये है, देखिए एक ये। आगे चलते हैं, देखिए यहां पर प्रश्न पत्र आउट हुआ या नहीं, देखिए सुनवाई इसी महीने होने वाली है, ये भी एक विवाद चल रहा है कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए यहां पर तो इसमें भी जब तक कोई निर्णय निकल के नहीं आया, प्रथम द्वितीय लेवल ये सारी चीजें यहां पर अटका के रखी हुई है, इस पूरी प्रक्रिया को कि ये प्रक्रिया आखिरी तक कैसे पहुंचे। देखिए रीट हाईटेक नकल में किस किस तरह की चीजें आपके सामने आई थी, उन सबको लेकर यहां पर चल रहा है। आगे चलता हूं, देखिए एक और जो महत्वपूर्ण विवाद चल रहा है वो है बीएड और बीएसटीसी। देखिए अभी तक इन लोगों का परिणाम भी नहीं आया, क्योंकि यहां पर विवाद यह है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रथम लेवल में जाना चाह रहे हैं और उन्होंने फॉर्म भी भरे, परीक्षा भी दी, तो यहां पर बीएसटीसी वालों ने और बीएड दादी दोनों के बीच में यहां पर देखिए कोर्ट में ये विवाद चल रहा है। अब यहां पर देखिए बीएड डिग्रीधारियों को प्रथम लेवल की परीक्षा में शामिल तो कर लिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी परिणाम जारी नहीं किया। बीएसटीसी अभ्यर्थी उत्तीर्णों की ओर से मजबूत पैरवी की मांग की जाए, तो ये जो पूरा मामला है जो सरकार यहां पैरवी भी कर रही है बीएसटीसी की तरफ से, तो जब तक इन सब चीजों में यहां पर देखिए बोनस अंक का मामला यहां पर नहीं निपटेगा, बीएसटीसी वाला यहां पर मामला नहीं निपटेगा, अगर नकल वाला जो मामला है वो भी चल रहा है वो भी यहां पर नहीं निपटेगा, तो देखिए टोटल मिलाकर 170 शिकायतें हैं जिनमें मजबूत और महत्वपूर्ण जो विवाद है वो ये है जिसमें हमने आपको बताया। तो उसके बाद ही देखिए इस भर्ती की राह आसान हो सकती है, इसमें आगे की प्रक्रिया, प्रमाण पत्र भी जारी होंगे, प्रमाण पत्र के बाद देखिए फिर आगे की प्रक्रिया होगी ताकि इस भर्ती को पूरा अमली जामा पहनाया जा सके, अन्यथा ये भर्ती अभी हवा में लटक रही है। और इस भर्ती को लटकाना, देखिए कई सारी चीज ऐसी हैं जिन पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते, देखिए नकल प्रकरण है, बोनस अंक हैं, बीएसटीसी वाले भी और बीएड वाले भी अपनी जायज लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको न्यायालय में जब पहुंच गई ये चीजें तो न्यायालय इसमें अंतिम निर्णय देगा और न्यायालय का निर्णय देखिए सबको मान्य होता है, उसके बाद ही ये भर्ती आगे बढ़ेगी। फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, संदेश को जन जन तक शेयर करें यह आपकी जिम्मेदारी, संदेश को विश्लेषण करना, संदेश का संदेश आप तक पहुंचाना यह हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।